आयुजी uh,

देखने के लिए मिला था 6.95 लेकिन आपको 2021 का 8 एलपीए uh, LPA देखने के लिए मिल रहा है राइट right? ये मीडियम पैकेज है समझ रहे हो ना यानी कि मैक्सिमम बच्चे जो यहां से प्लेस जो करके जाते हैं उनको ये पैकेज मिल जाता है Now let's talk about one more thing which is important कि यहाँ पर placement records कैसा है? So आप यहाँ पर देख सकते हो education, research, business development, media communication, operations, IT, then engineering, then community and social services, right? इन सब में अगर आप देखना चाहो तो आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है Adda का best of best placement.

नादर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम जो कि हमारे यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली की है

अच्छा अब हम यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो की आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सो आप ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हो बीटेक बीडीएस एल एल एम और एमबीए राइट So, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह प्लेसमेंट रेट है सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे प्लेसमेंट रेट तो आपको एमबीए का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और दूसरा जो सबसे ज्यादा नोन माना जाता है वो बीटेक माना जाता है आप ट्वेंटी का डेटा अगर देखेंगे तो 93% प्लेसमेंट आपको एमबीए के मिले हैं यहाँ पर और अगर आप एल के देखेंगे तो नाइनटी देखने के लिए मिला है

आपकी रेटिंग आती है वही आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना है ना नाम थोड़ा सा आपको हैदराबाद वाला आ फील आ जाता है जबकि जेएनयू बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटीज जो है दो है है। so, पर, पर 2021 का जो प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है सैलरी इन एलपी अगर आप देखोगे तो आपको साढ़े तीन लाख के आसपास का यहाँ पर एवरेज मिल रहा है जबकि अगर आप 2020 का देखोगे तो फाइव पॉइंट फाइव डेटा है अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है एच यू आपकी जेन यू आपकी डी यू आपकी एमयू आपकी और जामिया मिलिया इस्लामिया तो यहां पर बच्चे थोड़े से कम आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं इसलिए प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी थोड़े से कम देखने के लिए मिला है लेकिन एज

सॉरी 485 स्टूडेंट्स uh, का प्लेसमेंट हुआ है और यहाँ पर 185 कंपनीज ने विजिट किया है तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा छनटक रहा होगा uh, जो uh, uh, 185 uh, कंपनीज आने के बाद 485 को लेकर के गई हैं जबकि पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो 213 में सिर्फ 396 ही आपके प्लेसमेंट्स देखने के लिए मिले थे राइट आगे बढ़ेंगे हां हमारी अगली यूनिवर्सिटी की तरफ

वहीं पर ही आपको पढ़ाने के लिए मिल जाता है राइट? का पैकेज है आपका जनरली so, बच्चे जो पांच साल का यूजी करते हैं उनको आप मैक्सिम टू मैक्सिम प्लेस देखोगे और जो पीजी तीन साल का करते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्लेस देखोगे अब अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पर तो आप ये देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है यहाँ पर आपका आप देख सकते हो राइट ये है स्टूडेंट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट प्लेस्ड राइट तो आप देख सकते हो ये क्या रहा है आपका डेटा ये पिछले साल का है ये अभी इस साल का है अगर आप देखना चाहो तो ये यूजी का है ये आपका पीजी का है राइट तो यूजी तीन साल में टू थ्री एट नाइन स्टूडेंट है चार सौ पचहत्तर है तो टू फोर्टीज है फिर अगर आप तो पीजी का वन ईयर का डेटा यहाँ पेट में से फिफ्टी फोर प्लेस पीजी दो साल के डेटा में वन नाइन टू में थ्री थ्री फोर्टी फाइव प्लेस और पीजी थ्री ट्वेंटी सिक्स में टू अपने आप में बहुत बड़ी बात है गिने चुने बच्चे ही है जो हुए हो सकता है वो आगे के कोर्स के लिए चले गए

एशिया के बेस्ट कॉलेजेस में से एक माना जाता है आपका एस आर सी सी यहाँ का आप देखो ना 25 गया है। और तो बहुत ही ग्रेट है फिर हिंदू कॉलेज भी फेमस है एस एस सी बी एस भी फेमस है लेडी श्रीराम भी फेमस है, सेंट स्टीफन भी बहुत फेमस है। आप देखिए ना पैकेजेस कितने अच्छे अच्छे हैं आप देखिए हिंदू कॉलेज का पैकेज आपको ट्वेंटी नाइन लाख मैक्सिमम दिखाई दे रहा है एसएससी बीएस uh, का आपको कितना दिखाई दे रहा है साढ़े उन्नीस लाख के आसपास का फिर आप देखो लेडी श्रीराम का कितना दिखाई दे रहा है लड़कियां बहुत खुश रहती हैं ऐसे कॉलेजेस में पढ़ करके थर्टी सेवन पॉइंट एट सोचो गर्ल्स कॉलेज

हमारी कहीं ना कहीं दब जाती है युनिवस्टी बाकी युनिवस्टी के में। लेकिन इट आल्सो वेरी वेरी फेमस यहां का बहुत इयर्स बहुत का 4.5 लाख का पैकेज आप देख सकते हो पीजी भी 4.5 लाख आसपास का पैकेज आप देख सकते हो पीजी 3 ईयर का 3.5 लाख के आसपास का पैकेज आप देख सकते हो पीजी 5 ईयर का 3.5 लाख के आसपास का पैकेज आप देख सकते हो फिर अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देख सकते हो 4 साल का यूजी 2000

अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एचयू नहीं मिलता है और अगर आपको ये यूनिवर्सिटीज भी मिल जाती है तो वेल एंड गुड ना व्हाट्स रॉन्ग इन दैट चलिए आगे बढ़ते हैं इनका एक बार प्लेसमेंट भी चेक कर लेते हैं आप हाँ देखिए ये कंपनीज आई थी और जिसमें सबसे ज्यादा कंपनीज कितना कितना लेकर के गई है टीसीएस ने 23% बच्चों को यहां पे प्लेसमेंट दिया फिर एचपी जो कि अपने आप में फेमस है 20% प्लेसमेंट्स देखे गए फिर महिंद्रा सत्यम 9% के आसपास प्लेसमेंट लेकर के गई इंफोसिस एचसीएल विप्रो एलएनटी इंफोटेक आईडी बीआई बैंक हनीवेल कोटक स्टैंडर्ड चार्टर्ड हिंदुस्तान लिमिटेड रिलायंस को प्लेस करके लेकर हो या नहीं जा रहे हो सो so, बहुत मैटर करता है जब आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपका एक अलग हो रहा होता है जैसे की मैंने बोला कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है और आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हो सो so, आप जाते ही हो और आपका जो बोलने का तरीका होता है वो इतना अट्रैक्टिव होता है की आप आराम से प्लेस बेस्ड हो सकते हो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी अगली यूनिवर्सिटी की दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय है ना ये भी एक इंपॉर्टेंट है ऑल दो आप लोगों ने लेस नेम सुना होगा पैकेजेस बहुत ज्यादा हाई तो नहीं जाते लेकिन फिर भी आपको देखो यहाँ पे ठीक ठाक पैकेजेस मिल रहे हैं यूजी थ्री इयर्स के कोर्स के लिए बीए बीएससी के लिए ढाई लाख का पैकेज पीजी एक साल का अगर आप कर रहे हो तो आइए प्लेसमेंट रिकॉर्ड के, तो के, के भी बारे में बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की फेमस नहीं है लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है आप देखिए यूजी तीन साल में दो सौ छह में से एक सौ छह बच्चे प्लेस थे टोटल स्टूडेंट्स बीस थे पीजी वन ईयर के कोर्स में

अगर आप यूजी तीन साल का पैकेज देखोगे दो लाख के आसपास मिल जाता है यूजी चार साल का अगर आप करते हो तो यहां पे साढ़े चार लाख के आसपास का आपका पैकेज पहुंच सकता है ये एवरेज पैकेज है प्लीज

बच्चे के आसपास यहाँ पर मतलब तो 1100 के बच्चे आसपास पढ़े थे आपके यूजी थ्री इयर्स के कोर्स में एक सौ इकहत्तर प्लेस है आप अब यूजी फोर इयर्स में देखोगे पीजी फिफ्टी साल, का तो हैं? हैं फिर पीजी साल का तो में अगर आप देखोगे तो कितने और छे का प्लेसमेंट हुआ है तो 1820 में से तीन बच्चे आपका प्लेसमेंट शो करते हैं विद गुड पैकेजेस देखो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो आपकी जॉब के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जो ये सोचते हैं कमाना है अपने घर के लिए कुछ करना है सो ये यूनिवर्सिटीज आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है नाउ लेट्स मूव और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहूं बेटा कि अगर आप चाहते हो कि आप 25 लाख 30 लाख के पैकेज में खेलो तो आपको कॉलेजेस uh, में जाना ही पड़ेगा बेस्ट ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी के तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी जरूरी है और आपको 100 परसेंटाइल लाना जरूरी है अड्डा ने अभी-अभी एक बैच लॉन्च किया है दैट इज समर्थ 2.0 जो बच्चों को लग रहा है कि फिनेंशियल कंस्ट्रचेस है वो महा पैक में एनरोल नहीं कर सकते तो वो समर्थ 2.0 में एनरोल कर सकते हैं बाकी अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि आप चाहते हो कि आप अड्डा से पढ़ाई करो और आप अड्डा की हर एक बैच का लुट फुट पाओ राइट उसका बेनिफिट उठाता हो तो आपके पास ये बैच अवेलेबल है महा किताबों के साथ और किताबों के बिना भी so, यहां पर आपका बैच जो किताबों के साथ वाला है जिसमें आपके घर हार्ड कॉपीज आएंगी वो ये वाली है अभी तक अड्डा में जितने बैचेस हुए हैं उन सब बैच का पार्ट आप बन सकते हो आने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज है या जो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है अड्डा पे वो सब आपकी है आप उनको यूज कर सकते हो साथ ही साथ में आपकी जितनी किताबें हैं चाहे वो आपकी हार्ड कॉपीज हो चाहे सॉफ्ट कॉपीज हो वो सब आपकी अड्डा के आपकी आपके आपके, आपके, आपके आपके पास रहेंगी नौ महीने तक सो अगर आप इन बैजेस में एनरोल करोगे या ये महापैक में एनरोल करते हो तो नौ महीने तक अड्डा जो भी बैच निकालता है जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो सब कुछ आपकी होगी आपको अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं है बैच आपको 8399 का जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन सिर्फ दिख रहा है आपको ये बैच थोड़ा चीप रेट्स में भी मिल सकता है अगर आप एक कोड यूज करोगे तो और वो कोड क्या है आपका Y484 राइट लो अपने फ्रेंड्स को भी बता दो अगर वो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे यूजी चाहे पीजी वो इन अह सेशंस का बेनिफिट उठा सकते हैं बाकी आप किसी भी बैच में चाहो तो एनरोल कर सकते हो आपके पास ऑल भी फैसिलिटीज हैं राइट right? आप किसी भी बैच के लिए अगर ये कोर्स यूज करोगे किसी भी बुक के लिए अगर आप ये कोड यूज करोगे किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको ये मिल जाएगा आपको छोटा सा काम करना है की आपको डाउनलोड करना है स्टोर में जाकर जाकर के के अपनी टेस्ट सीरीज ई बुक्स लाइव जो भी आपको चेक करने उन आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो राइट right? ये बैच में सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपको सब कुछ मिलता है अड्डा का और जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक अड्डा आपका साथ देता है तो चाहे डाउट सेशन हो चाहे लाइव काउंसलिंग हो हर कुछ आपको अड्डा का मिलेगा राइट सो प्लीज एनरोल

Thank you, bye bye and take care. God bless you all.